नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्चर्ड ग्रोवर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका ग्रोवर पवन कुमार। तो आज हम रेड ब्यूट पलम की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। आज जो है हमारी तारीख है 26 मई 2024। तो आज जो है हम जो 4-5 दिन पहले से मैं शॉर्ट डाल रहा था, तो उसमें देखा आपने कि पिंक स्ट्रेन के 5-6 दिन के बाद जो है रेड ब्यूट पलम जो है वो तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं आज के दिन जो है कैसा स्ट्रेन जो है हमारे फ्रूट पे आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं हमारे पलम, और साइज़ भी आप देख सकते हैं कि साइज़ भी इसमें अच्छा खासा जो है वो हो रखा है। कोई साइज़ का कोई इशू नहीं है। चलिए चलते हैं अगले पेड़ की ओर। कि ये दोस्तों हमारा अगला पेड़ है जिसमें मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ अभी। और ये जो है देखिए, दादी भी जो है नीचे जो है हमारे पलम उतार रही है नीचे वाले एरिया से। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से जो है वो स्ट्रेन आ रखा है। यहाँ ऊपर से जो है क्लियरिटी बढ़िया आती है कैमरे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पेड़ हैं। ये भी अभी 4-5 साल के पेड़ हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले अगले पेड़ की ओर। दोस्तों ये आ गए हम अपने अगले पेड़ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है साइज़ जो है यहाँ हो रखा है पलम का। ये देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं आप। देखिए अभी मैं अंदर से जो है इसका वीडियो बना रहा हूँ। ये एक अच्छे से जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है थोड़ा कलर इस साइड थोड़ा कम है क्योंकि इस साइड नमी ज़्यादा रहती है और धूप थोड़ी कम आती है। तो उस वजह से यहाँ पर जो है कलर थोड़ा जो है हमारा कम जो है यहाँ पर आ रखा है, पर साइज़ का यहाँ पर ज़बरदस्त साइज़ आ रखा है यहाँ। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं अगले पेड़ की ओर। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग इस वाले पेड़ पे किस तरीके से जो है स्ट्रेन आ रखा है, अच्छे से कलर आ रखा है ये आप देख सकते हैं। और किस तरीके से रेड ब्यूट पलम में जो है वो फ्रूटिंग हो रखी है ये आप देख सकते हैं। हालांकि ऊपर से अभी चढ़ के जो है मैं आपको इसका पिक बताता हूँ पेड़ पे चढ़ने के बाद। ये अभी आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो है फ्रूटिंग भी हो रखी है और किस तरीके से कलर जो है वो अच्छे से आ रखा है। तो दोस्तों अभी हम आपको पैकिंग हॉल दिखाते हैं इसके बाद। अब तो चलते हैं पैकिंग हॉल की तरफ। ये हमारी पैकिंग चली हुई है बगीचे में देर रात को, और ये हमारे पैकर आए हैं मनाली से, खास पैकर हैं, और लाइट लगा के हम पैकिंग कर रहे हैं बगीचे में, देखो रेड ब्यूट पल्लम की। तो दोस्तों आज जो है हम मंडी के लिए जाएंगे, सुबह लगेगी हमारी मंडी, रात को हमारी गाड़ी निकलेगी, तो हम आपको वहाँ से अपडेट करवा देंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि रेड ब्यूट पल्लम जो है किस तरह से बिक रहा है। ये देखिए आप साइज़ तो देख ही सकते हैं हमारे ढेर में किस तरीके के साइज़ लगे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए ऑर्चर्ड ग्रोवर्स और बने रहिए ऑर्चर्ड ग्रोवर्स के साथ। यार सुन, इस 10 रुपए से महंगा नहीं हो जाएगा से? 10 रुपए से महंगा नहीं हो जाएगा? ये 400 का, 400 का, ये 400 का, ये जो 400 का, ये 400 का, 480 रुपए टिकला भाई। एक के तीन आज एक किलो बाल आज 400 का।